आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे निकटतम मान। निकटतम मान कहिए या फिर सन्निकट मान कहिए, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। निकटतम मान को इंग्लिश में बोलते हैं नियरेस्ट वैल्यू और सन्निकट मान को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है कह रहा है दहाई अंक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन के माध्यम से निकटतम मान आप लोग को समझाएंगे। तो क्वेश्चन है 14, ठीक है, इसमें दहाई अंक कितना है, एक है। तो दहाई अंक जब एक है तो हम सबसे पहले इसकी आगे वाली संख्या को देखते हैं, ठीक। तो आगे वाली जो संख्या है कितना है, 4 है। अगर संख्या 5 से कम रहेगा, संख्या कितने से, 5 से कम, अगर 5 से कम रहेगा तो वहां पर कुछ नहीं करना होगा आपको, उसके स्थान पर यहां पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहां जो है 1 है तो आप 1 लिख देंगे, ठीक। अगर संख्या 5 या 5 से अधिक रहेगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए 5 या 5 से अधिक, ठीक है। अगर संख्या यहां पर दहाई का अंक कितना है, 8 है, हमेशा इसके आगे वाले संख्या को देखना है, आगे वाला संख्या कितना है, 5। 5 या 5 से अधिक संख्या रहे तो आपको इसके आगे वाली संख्या में 1 प्लस कर देना है, 1 कितना जोड़ देना है, ठीक है। जब आगे वाले संख्या में आप 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे तो 5 के स्थान पर 0 हो जाएगा, लेकिन इसके स्थान पे जब 8 में आप 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। ये हमारा निकटतम मान निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर संख्या 5 से कम रहेगा तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना होगा। अगर संख्या 5 या 5 से अधिक रहेगा तो उसमें 1 प्लस करना होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, कितना दिया है अगला क्वेश्चन, 98 दिया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दहाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, ये इकाई है ये दहाई है, तो दहाई अंक पे कितना है, 9 है। तो इस दहाई अंक पे 9 है तो इसके आगे वाला संख्या कितना है, 8 है। तो 5 से अधिक है, जब 5 या 5 से अधिक रहे तो आपको इसमें क्या करना होगा, 1 प्लस करना होता है, ठीक है, इसमें 1 प्लस करना होता है। 8 के स्थान पर 0 हो जाएगा और 9 में 1 आप ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका निकटतम मान या फिर कहिए सन्निकट मान कितना आया, 100 आ गया, ये हमारा निकटतम मान आ गया, इसी को नियरेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दहाई का अंक वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इसका भी दहाई अंक का निकटतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इकाई दहाई, दहाई के अंक पर कितना है, 3 है। तो जब दहाई के अंक पर 3 है तो इसके आगे वाला संख्या पर देखिए 5 है ना, जब भी 5 या 5 से अधिक रहे तो आपको 1 उसके आगे वाली संख्या में प्लस करना होगा, ठीक। तो यहां देखिए कितना है, 5 है, तो यहां पर आप दहाई वाले अंक में 1 प्लस करेंगे और जहां 5 है वहां आप क्या करोगे, 0 कर दोगे, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बाकी आगे वाला संख्या कितना रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन है 65-39 है, ठीक है, इसमें दहाई अंक इकाई दहाई, दहाई पर कितना है, 3 है। तो 3 है, इसके आगे वाला संख्या भी देखिए कितना है, 9, ठीक है। तो क्या है ये, 5 से ज्यादा है, तो जब 5 से ज्यादा है तो इसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, ठीक, 9 के स्थान पर 0 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 4, और बाकी आगे वाला संख्या वैसे ही रहेगा, ये हमारा नियरेस्ट निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोग को दहाई अंक का निकटतम मान ज्ञात करने आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम बताएंगे सैकड़े के अंक का निकटतम मान निकालना। आगे सैकड़े का निकटतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें सैकड़ा वाला देखिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर कितना है, 5 है। तो हमेशा उसके आगे वाले संख्या को देखना है,
उसके आगे वाले संख्या कितना है, 6 है, जो कि 5 से अधिक है। ठीक है, जब 5 से अधिक है तो आप इसमें एक प्लस कर दीजिए और इन दोनों के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के स्थान पर 0 हो जाएगा और 5 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6, और बाकी आगे वाला जो संख्या है उसको ऐसे उतार लीजिए, तो 43,600 ये हमारा निकटतम मान निकल गया। ठीक है, आगे इसका भी निकालना है। देखिए सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर कितना है, 3 है। ठीक है, अब उसके आगे वाला संख्या कितना है, 4 है, तो 4 देखिए 5 से कम है, जब 5 से कम रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें एक जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा और 4 के स्थान पर 0 हो जाएगा, यहां जो रहेगा वही 3, फिर 6, 9, ये हमारा निकटतम मान निकल गया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 975, इसमें सैकड़े के स्थान पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कितना है, 9 है, तो इसके आगे वाले संख्या पर देखिए 5 से अधिक है ना, 7 है यहां पर, तो 5 से अधिक है तो अब आपको क्या करना होगा, एक प्लस करना होगा यहां पर सैकड़े पर, तो इन दोनों के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, कितना आ गया, 1000। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आप लोग को हजार अंक का निकटतम मान निकालना सिखाएंगे। हजार अंक का निकटतम मान निकालना है तो अब पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर कितना है, 7 है, तो इसके आगे वाला संख्या देखिए कितना है, 0, जो कि 5 से कम है, जब 5 से कम रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है, 7 यहां पर 0, इन दोनों के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा नियरेस्ट मान निकल गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हजारवें अंक पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर क्या है, 6, उसके आगे वाला संख्या कितना है, 7, जो कि 5 से अधिक है, तो 5 से जब अधिक है तो इसमें आपको कितना जोड़ना होगा, 1 ऐड करना होगा। ठीक है, इन तीनों का स्थान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, और 6 में 1 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 7, बाकी आगे वाला संख्या वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है 72:21, इसमें हजारवें अंक पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर कितना है, 7, तो इसके पहले वाला जो संख्या है कितना है, 2 है, जो कि 5 से कम है, तो जब 5 से कम रहेगा तो कुछ नहीं करना होता है, तो 7 और इन तीनों के स्थान कितना हो जाएगा, 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को हजार अंक का निकटतम मान भी निकालना आ गया होगा। अब आते हैं हम 10,000 पर निकटतम मान निकालना सिखाएंगे। तो 10,000 अंक का निकटतम मान, यहां पर काउंट करिए पहले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर कितना है, 7, उसके आगे वाला संख्या कितना है, 5, 5 या 5 से अधिक। ठीक है, तो आपको एक प्लस करना होगा, 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो आपको एक प्लस करना होगा उसके आगे वाले संख्या में। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एक प्लस करोगे तो बाकी इन सब के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0, 7 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 8, बाकी 5 के स्थान पर 0, 7 के स्थान पर 0, 6 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर कितना है, 7 है, उसके पहले वाले संख्या कितना है, 6 है, जो कि 5 से अधिक है, तो आपको ये प्लस करना होगा 7 में। ठीक है, जो हजार वाला अंक है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बाकी इसके स्थान पर 0, 0, 0, 0, और यहां पर कितना हो जाएगा, 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर कितना है, 9 है, इसके पहले वाली संख्या कितना है, 7 है, जो कि 5 से अधिक है, तो इसमें आप एक प्लस करना होगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 इस पर आ रहा है,
ये देखिए 5 से अधिक है, इसके जो पहले वाला संख्या है 5 से जब अधिक है तो आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, 1 ऐड करना होगा हजारवें वाले अंक में, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और बाकी इन सब के स्थान पर कितना हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक, तो आई होप आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया गया ये सब का निकटतम मान का सब समझ में आ गया होगा, और जहां भी डाउट्स रह जाएगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए आप लोग, आज के लिए बस इतना ही।